हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट आज लगभग लखनऊ यूनिवर्सिटी की पहले दिन की काउंसलिंग थी और पहले दिन की हमें रिपोर्ट मिल चुकी है। आज लखनऊ विश्वविद्यालय ने हमसे तो कहा था 5 कोर्सेज की काउंसलिंग कर चला रहे हैं, लेकिन बाद में इन्होंने 2 बजे के बाद से BCom ऑनर्स की भी काउंसलिंग आज ही से शुरू कर दी थी। तो आज लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग 6 कोर्सेज की काउंसलिंग शुरू हुई थी। बच्चों इसमें क्या हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय में, आज जान लेते हैं इस रिपोर्ट में कितने लोगों ने काउंसलिंग कराई, आखिर कितने लोगों ने लखनऊ विश्वविद्यालय में काउंसलिंग कराई। अगर ये रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ तो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में बताया कि 16 तारीख की ये रिपोर्ट है, 1500 लोगों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, मतलब 1500 लोगों ने 700 रुपया पेमेंट कर दिया लखनऊ यूनिवर्सिटी की, जिसमें 1300 लोगों जो थे ना वो चॉइस फिल कर दिए इन 6 कोर्सेस में। तो बच्चों अभी काउंसलिंग बहुत कम लोग करा रहे हैं, यदि आपके कम मार्क्स हैं तो आप ज़रूर काउंसलिंग कराइएगा। हम डेली की रिपोर्ट अगर हमें लखनऊ विश्वविद्यालय से मिलती रही तो हम ज़रूर पब्लिश किया करेंगे। इस रिपोर्ट से आप इतना अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपको एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। वहीं मान के चलें, देखिए सब मैं बता देता हूँ, BCom UNEP में 4000 बच्चे परीक्षा दिए थे, BCom ऑनर्स में 4200 बच्चे परीक्षा दिए थे, BBA BFA में लगभग 700 से 800 बच्चे परीक्षा दिए थे, LLB में लगभग 3200 बच्चे परीक्षा दिए थे, BJMSE में 198 दिए थे, BSc एग्रीकल्चर में 698 दिए थे, BLED में 800 बच्चे परीक्षा दिए थे। ठीक है, तो इनकी ये रिपोर्ट है कि मात्र 1500 लोग चाहते हैं इन बच्चों में से एडमिशन लेना, बाकी सब वही चाहते हैं कि रहने दो भैया, हमें एलयू नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो डेली की रिपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।